देखिए दोस्तों, ये लगा है प्रोग्राम। थोड़ा सा एक बार ऑडियो सुनिए पहले, फिर बताता हूँ कहाँ पे क्या लगा है। ये सब जो चल रहा है, आप जो देख रहे हैं, ये जी क्यू लगा है स्टूडियो मास्टर की तरफ से। यहाँ मैं MGP32X के साथ हम यहाँ पे काम कर रहे हैं, और इसकी क्वालिटी, इसकी खासियत, इसकी वीडियोस मेरे चैनल पे अपलोड हो रखी हैं दोस्तों। इधर हमारा इंस्ट्रूमेंट लगा है, दोनों साइड से मॉनिटर से काम कर रहे हैं, क्योंकि नीचे ही बैठे हैं। और व्यासपीठ पर विराजमान पंडित जी और महाराज जी। और ये देखिए दोस्तों, अभी ये व्यासपीठ को तैयार किया जा रहा है, और ये मैंने इधर 12 इंच किया है ताकि वो पर थोड़ा सा हाई रहे। और इंस्ट्रूमेंट के लिए दो मॉनिटर ही काफ़ी थे, 600 प्लस 600 के लगे हैं। और ये लगा है SPH 1210 हो जाए ओरिजिनल पूरे ये इस साइड पंडाल के लिए। चलिए देखिए, कंप्लीट दिखा ही देता हूँ। ये 600 वाट का स्पीकर इसमें डाला हुआ है। ये महाराज जी को थोड़ा सा फीडबैक देगा और इंस्ट्रूमेंट वाला। और ये कंप्लीट इसके बीच में जो लगा है मॉनिटर, ये वाला मॉनिटर भी महाराज जी के फीडबैक प्लस इंस्ट्रूमेंट वालों को पूरा कार्य ने तो लेंगे। और ये हमारा एडिटिंग होगा थोड़ी सी यार, पूरा सेटअप किसी पे चलना है। 3 ऑक्सिलरीज का यूज किया है और एक स्टीरियो। और दोस्तों, ये GPT में हमने दो चीज़ें दी हैं, जिसे और कुछ लेकर के हम जिन हाथ में गया और ये डिजाइन दिया है स्टीरियो में चलाए हैं। और चलिए थोड़ा सा एम्पलीफायर दिखा देता हूँ आपको। इस पे 4 हॉर्न लगाए हुए हैं। ओ भाई, इसका ध्यान है, ये हेलो दो ही हो रहा है, चले गए हैं और हम दो ही हैं। जो 12 इंच है ये 1800 पे चल रहे हैं, और इस पे 2 मॉनिटर चल रहे हैं RX पे, और इस पे 2 SPX चल रहे हैं। 12 किलो वाट का स्टेबलाइजर हमारा रखा है। GEQ और स्पीटर हम लाए हुए हैं यहाँ पे, मगर GEQ से ही काम चल गया है, तो इतने से ही काम चल गया है, तो एक्स्ट्रा लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी है। और दोस्तों देखिए, इसकी लाइव मैंने थोड़ी देर चलाया था कल, सेटअप आपने लाइव चलते हुए देखा ही है। अभी तैयारी चली रही थी कल का, जब मैंने इसको नोट किया था आपके लिए कि कैसे कैसे सेटअप लगा रखा है। ये जो दोनों मॉनिटर रखे हैं, ये महाराज जी और इंस्ट्रूमेंट वालों को कंप्लीट बहुत ही ज़बरदस्त रेस्पॉन्स इनका यहाँ से मिलेगा। और फ्रेंड्स, उत्तराखंड में हम हैं, उत्तराखंड के डिस्ट्रिक्ट देहरादून। और यहाँ पे ये जो आपको मैं थोड़ा सा आश्चर्य एक दिखाना चाहता हूँ, ये एक आश्चर्य ही है। ये पानी कभी यहाँ से सूखता नहीं, और लगातार बहुत पानी यहाँ से चलता है, बहता है। लोग कहते हैं कि ये शायद सरस्वती नदी है। पहाड़ों के बीच में ये थोड़ा सा प्लेन एरिया है, ये देखिए चारों तरफ पहाड़ है के बीच में हमें। और ये देखिए, इससे जो पानी निकल रहा है वो ये है। और दोस्तों, मिलता हूँ नेक्स्ट।